उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट को क्षेत्र के लोगों ने सम्मानित किया। उनका कहना था कि सांसदों के श्रेष्ठ श्रेणी में सर्वे में आने से उनका नहीं इस लोकसभा क्षेत्र की जनता का सम्मान है। लोक बिल पास होने से अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस झूठे प्रसार प्रचार में लगी है, वही सितारगंज खटीमा रेलवे लाइन को बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट सितारगंज के मणि सभागर में नैनीताल पहुँचे। हालांकि उनके सांसद के श्रेष्ठ श्रेणी में आने को लेकर यहां की जनता ने उन्हें फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया। उनका कहना था कि ये मेरी लोकसभा की जनता का सम्मान है जो मुझे सम्मानित किया जा रहा है। जो लोक बिल पास किया गया है उसमें अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं है। जो हमारे मुसलमान भाई भारत के रहने वाले हैं उनको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इस बिल से आम जन को फायदा ही होगा। श्रेष्ठ सांसदों की श्रेणी में मुझे भी रखा है सर्वे में और मुझे एक सम्मान मिला है। ये सम्मान मेरे नैनीताल उधम सिंह नगर की जनता ने दिलवाया है, जो उन्होंने मुझे लोकसभा में भेजा और मेरे उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ है, ये सब उनकी वजह से मिला है। इसलिए मैं सब यहाँ की जनता को और यहाँ के लोगों को ये सम्मान समर्पित करता हूँ। असली हकदार हुआ मैं आज यहाँ आया हूँ और इस सम्मान के कारण ही लोगों ने मेरा आज यहाँ पर गर्मजोशी से स्वागत किया है। मैं अभिभूत हूँ और मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र की नाक कभी नीची नहीं होने दूंगा और क्षेत्र की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष, चाहे मुझे कहीं भी कुछ करना पड़े, समस्याओं के समाधान के लिए अपने विधायकों के साथ, अपने संगठन के साथ रात दिन। नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है उस पर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे कि मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत व्यवहार कर रही, उनको सदस्यता नहीं दे रही, उनको भारत के मेरे अल्पसंख्यक भाई यानी कि मुसलमानों पर लागू नहीं होता से बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से उनको नागरिकता देने का है। यहाँ वालों को चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहते हैं मुसलमानों को क्यों नहीं दे रही, भाई अफगानिस्तान का कौन मुसलमान यहाँ संख्यक है, उसने तो इनको भगाया था, और बांग्लादेश का भाई क्यों आएगा। अब यहाँ के लोगों को भी ये गलतफहमी में डालना चाहते हैं कि आपकी भी खतरे में है, कार्ड बना लो, ये करा लो। कोई डरने की बात नहीं। भारत के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है कहीं से कहीं तक। जो यहाँ के मुस्लिम भाई हैं वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि जो भड़का रहे हैं उसका कोई असर समाज पर नहीं होगा। सब पूर्ववत यहाँ पर इस देश के बराबरी के हिस्सेदार हैं। हम कहना चाहते हैं वो चिंता न करें, भारत को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी काफ़ी है। जो उन्होंने भारत को तहस नहस कर दिया था उसे जोड़ रहे हैं, और जो गलतियां थी कांग्रेस ने देश को रूप में है, क्योंकि कांग्रेस आज रसातल में जा रही है। वो अपनी चिंता करें और कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए। सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट।